हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे गई थी कुछ काम से और उसके बाद मैंने वहाँ पे तो कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं भूल गई थी। आज मैंने बनाए हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बटर चिकन, और अम्मा बना रही है दही। अब हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर, मैं गुलबानों के लिए 14 अगस्त का सूट लूँगी। ओके, अच्छा बनाओ, मैंने इसमें इतनी मेहनत की है। ये हो गया है नेक्स्ट डे। फिर मैं गई थी इम्तियाज़ कुछ काम से और उसके बाद मैं गई थी बच्चा पार्टी। मुझे गुलबानों के लिए वो 14 अगस्त के कपड़े लेने थे। इम्तियाज़ में भी थे लेकिन कुछ ख़ास नहीं थे। बच्चा पार्टी में वैरायटी बहुत ही कोई अच्छी थी, लड़कियों की तो ज़्यादा अच्छी थी लड़कों से। मुझे मैंने समझ आया और मैंने लिया, आगे मैंने दिखाया भी है। ये मैंने जो शादी में कपड़े पहने थे वो धुल गए हैं, अब मैं इनको सही सी करके वापस से रख दूँगी। अब जब शादी हो तब देखेंगे किसी की। मैं इनको इस तरह से इम्तियाज वाले शॉपर में डाल के लपेट के रख दूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मूवी देखूँ। और मैंने कुछ शाम का अपने लिए बनाया था, वो मैं खा ही रही थी, फिर अम्मी लोग मेरे घर आ गए थे। वेलकम बैक टू अदीस चैनल। तो आज हम अदी के घर आए हैं और अभी तो अदी हमारे लिए फ्राइड चीज़ें बना रही है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ्राइड बना रही है, नगेट्स इनके लिए मैंने बस ये थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें बनाई हैं। अम्मी लोग घर आ गए। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हमारा एसी खराब हो गया है। इस तरह हो गया है, फाद दूसरे रूम में सो रहा है। मुझे अपने रूम में ही नींद आती है, मैं इस मैडम के साथ जाग रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं सोती। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस टाइम हम दोनों इसको पता नहीं क्या कहते हैं ये खा रहे हैं। हम तो इसे जरदालू कहते हैं ना गुलबानो। आंखों में नींद नहीं है बिल्कुल भी। यही है वो मुजरिम, यही है, यही है, यही है, यही है। अम्मी कहती है इसकी वीडियोस यूट्यूब पे ना डाला करो, उसको नजर लग जाएगी। सब बोलो माशाल्लाह। सब बोलो माशाल्लाह। मानो वो हाय गाइस, हाय का हाय हाय का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गई थी गुलबानों के लिए क्या करने, 14 अगस्त की मैंने उसके लिए कपड़े लिए हैं, मैं वो दिखाती हूँ। और ये व्लॉग मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट किया था अपना उसी दिन से जब मैं गई थी इसके लिए कपड़े लेने। और फिर अम्मी लोग कल मेरे घर आए थे, वो मैंने थोड़ा सा एक व्लॉग बनाया था। अभी मैं आपको गुलबानों के कपड़े दिखाती हूँ, फिर हम बनाएंगे प्रॉन बिरयानी, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी साथ साथ ही अगर हुआ। और फिर यही मैंने सोचा है और ये व्लॉग मैं आज ही अपलोड करूंगी। सो ये है मेरे एसी की सिचुएशन, ये ख़राब है, अभी आज ही बन जाएगा, अल्लाह करे बन जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तब मैंने ये नहीं बिछाई है बेड शीट क्योंकि एसी बनेगा फिर सारा गंदा हो जाएगा। मैं गुलबान के कपड़े दिखाती हूँ। ये मैंने इसके लिए ट्राउज़र लिया है और ये मैंने इसके लिए कुर्ती ली है इस तरह की क्यूट सी। और इस तरह के मैंने इसके लिए चूड़ियाँ, कहाँ गया चूड़ी, इस तरह की मैंने चूड़ियाँ ली थी इसके लिए लेकिन इसने ये चूड़ियाँ खोल दी हैं। मैं दिखाती हूँ, अब ये मैडम आई है और टक टक कर रही है। ये देखो इसने एक बॉल भी खा लिया अपनी चूड़ी का, क्या कर सकते हैं। ये मैंने बिरयानी का सालन रख दिया है बनने और यहाँ मैं फहद के लिए खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता। अब हम उसके साथ रह रहे के ख़ुद तो ऐसी सादी सीधी खाना नहीं खाएंगे ना, हम बनाएंगे बिरयानी जो ऑलमोस्ट बन गया है। और बाकी दम पे आके मैं वापस रखूँगी। उस दिन मैंने ये अदरक का पेस्ट बनाया था, ये लहसुन का पेस्ट बनाया था, दोनों को मैंने बॉटल्स में करके फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज़र में तो नहीं फ्रिज में रख दिया। बिरयानी रेडी हो चुकी है, ये मैंने प्रॉन बिरयानी बनाई है आज, चिकन की नहीं, लग तो बड़े मज़े की रही है, अब खाएंगे तो हमें पता चलेगा। और ये है आज का दिन यानी संडे। सुबह ही सुबह मैं, फहद, गुलबानो और मेरा देवर, हम चारों गए थे बाहर। हम आए थे कॉस्टा कॉफ़ी, मैं समझी कुछ होगा ब्रेकफास्ट का लेकिन नहीं है यहाँ पे कुछ भी अच्छा, ओनली सैंडविचेज हैं। तो अब हम जा रहे हैं पॉल, इधर भी हैं हमारे साथ आज।
फिर हमारा पॉल का प्लान कैंसिल हो गया था, हम गए थे यम बाय आमना विद मैडम गुलबानो, जिसने बहुत ही कोई तंग किया है, इतना तमाशा इसने किया है क्या ही बताऊं। मैंने ऑर्डर किया था पैनकेक्स गुलबानो के लिए और सैंडविच और पास्ता हमारे लिए। मैंने कॉफ़ी ली थी यम बाय आमना में भी ब्रेकफास्ट के लिए गई थी, लेकिन बहुत ही कोई बकवास कॉफ़ी है, इसमें कुछ शुगर ही नहीं है भाई, इतना पानी पानी, मुझे नहीं पता था। गुलबानो की वजह से मैं हड़बड़ में निकल गई, अगर मैं वहीं होती तो मैं ये चेंज करा देती, पैसे ज़ाया हो गए।